जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने आज शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अरविंद सिंह लवली कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार में लगातार 15 सालों तक मंत्री रह चुके हैं। अरविंद सिंह लवली ने अभी पहले 28 अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन और टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे। इस बारे में उन्होंने मल्लिका अर्जुन खड़गे को पत्र भी लिखा था। अब अरविंद सिंह लवली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और उनके साथ राजकुमार चौहान, पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया और अमित मलिक ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। जब इन 5 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, इनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद ताबड़े, अनिल बलूनी, संजय मयूख और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन सचदेवा मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद ताबड़े ने कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कांग्रेस का नारा बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ है। ताबड़े ने कहा राहुल गांधी ने पहले वायनाड को अपना घर बताया और फिर वो रायबरेली चले गए, और ऐसे लोगों के साथ रहना अरविंद सिंह लवली और उनके साथियों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। और इसके अलावा वीरेन सचदेवा ने भी इन नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि हमें पूरा यकीन है हम सब मिलकर दिल्ली में भ्रष्टाचार वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और अरविंद सिंह लवली ने बीजेपी में शामिल होने के बाद पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और जेपी नड्डा को राष्ट्र निर्माण और दिल्ली की लड़ाई में सहयोग का मौका देने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि आज 5 साथी बीजेपी में आए हैं, लेकिन पूरा काफिला तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आने वाले दिनों में वो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।